हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, ढाबा स्टाइल मटन करी। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में ढाबा स्टाइल मटन करी कैसे बनाएं। ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो मटन, ये देखिए, और इसको मैंने कटवाया है 1 किलो में 20 पीस। आपने बहुत छोटे छोटे पीस नहीं कराने, और इसमें सब कुछ है, नली है, सब कुछ है जो जो चाहिए होता है। ये देखिए, सबसे पहले आपने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए आपने इसमें डालना है 1 कप दही। दही को पहले आपने फेंट लेना है। 2 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको मिक्स करना है बढ़िया तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपने करना है, और इसको रख देना है साइड में। 2 किलो मटन बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो प्याज, आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैं क्या करूंगा, 2 प्याज साइड में रख दूंगा, इनका क्या करूंगा आपको बाद में बताऊंगा, और ये 6 प्याज मैं स्लाइस काटूंगा, कैसे आपको दिखाता हूं। आपने प्याज को देखिए ऐसे काटना है और एकदम पतला स्लाइस कर लेना है, बारीक, जैसे कि मैं काट रहा हूं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने काटी है, ऐसे ही आपने काटना है। ऐसे प्याज काटने के बाद आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन है ना, ये बहुत ही छोटे बच्चे का है, तो कुकर में मजा नहीं आएगा, तो मैं पतीले में बनाने वाला हूं। आपने वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से अपने घर में बना पाए। आपने सबसे पहले अपनी पसंद का बर्तन चढ़ा देना है, तो मैं आज एल्यूमिनियम के पतीले में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लगान है नहीं। और इसमें आपने सबसे पहले डालना है ऑयल, कम से कम 2 कप। 2 कप ऑयल क्यों, ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए। उसके बाद आपने इसमें डालने खड़े मसाले, 4 तेज पत्ते, 4 काली इलायची, सबसे जरूरी है ये, इसी से आती है बढ़िया खुशबू, 2 स्टार फूल, 6 हरी इलायची, 8 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इनको अच्छे से चटका लेना है, इनकी खुशबू आपकी नाक तक आ जाए आसानी से। अब ये देखिए मेरे मसाले बहुत ही अच्छे से चटक चुके हैं, इनकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है प्याज जो हमने स्लाइस काट के रखा था, सभी डाल देना है, और इसको आपने अच्छी तरीके से लाल करना है, बहुत ही बढ़िया कलर आना चाहिए प्याज का, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, मतलब प्याज कच्ची ना रहे। अगर बाय मिस्टेक प्याज लाल नहीं होती है तो क्या होता है ना, उसमें मिठास आती है, मीठा मीठा टेस्ट आता है, और आपको बिल्कुल मजा नहीं आता है, तो प्याज अच्छे से आपने लाल करनी है। अब ये देखिए हमारी प्याज में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, जैसा कि मुझे चाहिए था। अब आपने क्या करना है, गैस करना है एकदम स्लो, और इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कम से कम 4 टेबल स्पून। और आपने हमेशा जिंजर गार्लिक पेस्ट प्याज ब्राउन होने के बाद डालना है, पहले ना डालें, नहीं तो क्या होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा नीचे चिपक जाता है और पतीले में लगता है काला काला हो जाता है। उसके बाद आपने इसको ये देखिए ऐसे अच्छी तरीके से भूनना है, जैसे कि मैं भूनना ऐसे। जब आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसे भून जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना अच्छा मटन बनने वाला है, तो फिर से बोल रहा हूं वीडियो छोड़ के ना चले जाएं, नहीं तो क्या है आप इसको मिस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, हमेशा की तरह इसको मटन को अच्छे से भूनना है, जैसे मैं बोलता हूँ ना भून भून के टेस्ट निकालना है, ऐसे ही भूनना है, और गैस आपकी होना चाहिए फास्ट। मटन भूनने से क्या होता है, अच्छा टेस्ट आता है और मजा आता है, मतलब मटन है, पालक है, जितना आप इनको भूनेंगे ना टेस्ट निकल के आएगा, और ढाबा स्टाइल है तो भूनना जरूरी है। आप कुकर में बनाएंगे और आपके मटन में टेस्ट नहीं आएगा तो मुझे मत बोलना कि शेफ आपका तो बहुत अच्छा बना और हमारा एकदम गल गया, तो एकदम गलना भी नहीं चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मटन भून चुका है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भूना है, तो आपने भी ऐसे ही भूना है,
और इसका आप कलर देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया कलर हुआ है, मतलब मजा आ गया देख के। तो ऐसे आपने मटन भूनना है, कम से कम आप 10 मिनट भूने। ऐसे मटन भूनने के बाद आपने करना क्या है, इसमें आपने डालना है पानी। पानी कितना डालना है आपने, कम से कम 2 जग पानी डालना है, यानी के 2.5 से 3 लीटर। उसके बाद ऐसे आपने मिक्स किया, चलाया इसको जैसे कि मैं चला रहा हूं, और ढक्कन लगा के आराम से पकने देना है। मैं इसको कितनी देर पकाने वाला हूं ये मैं बताऊंगा जब मैं गैस बंद करूंगा। जैसे मैं आपको हमेशा बाद में टाइम बताता हूं, पहले नहीं बताता हूं। और मैंने ढक्कन ढक के गैस स्लो कर दी है, जब तक ये पकेगा तब तक हम इसकी दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि ये 2 प्याज का मैं क्या करने वाला था, आपको मैंने बताया था ना, ये बचा के रखना है। तो आपने क्या करना है, इनको चॉप कर लेना है, और चॉप एकदम फाइन नहीं करना है, थोड़ी सी मोटी रखना है। ये देखिए ऐसे चॉप करना है इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से अब दोनों प्याज चॉप कर लूंगा, आप भी ऐसे ही करना है। प्याज चॉप करने के बाद आपने टमाटर भी चॉप कर लेने। टमाटर आपने कितने डालने हैं, आपने कम से कम 1/2 किलो टमाटर डालने हैं, 2 किलो मटन के अंदर। तो मैंने भी 1/2 किलो टमाटर लिए हैं, और इस तरीके से आपने चॉप कर लेने। अब मैं आपको मटन दिखाने वाला हूं कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, हम और आप मिलके साथ में देखेंगे। सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूं, तो 45 मिनट हो चुके हैं, मैं 45 मिनट के बाद मटन देखने जा रहा हूं। ये देखिए कितना बढ़िया हुआ है, अब कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है। देखिए जब आपका मटन ऐसे पक जाएगा, जैसे कि ये पक चुका है, इतनी कम ग्रेवी हो जाएगी, तब आपने क्या करना है, गैस कर देना एकदम स्लो, और आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। ये सारे मसाले आपने बाद में डालना है, जैसे कि मैंने अभी डाले ना, नहीं तो क्या होता है कलर आपके मटन का खराब हो जाता है। फिर ऐसे चलाया जैसे मैं चला रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हो गया है मटन, मतलब मजा आ गया। ऐसे चलाने के बाद आपने गैस एकदम स्लो कर देना है, और इसको दूसरे चूल्हे पे रख देना है, स्लो करके आराम से पकने दें। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार ये ढाबा स्टाइल कैसे हुआ, और जो मैंने प्याज टमाटर काट के रखे थे उनका मैं क्या करूंगा। तो अब आपको दिखाता हूं आपने क्या करना है। आपने एक अपनी पसंद का बर्तन चढ़ाना है, या आप पैन भी चढ़ा सकते हैं, उसके अंदर आपने डालना है 1/2 कप देसी घी, 1/2 कप डालना चाहिए। जब आपका घी गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जीरा, और इसको आपने चटकाना है, इसकी खुशबू आपकी नाक तक आ जाए अच्छे से। जब आपका जीरा चटक जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी, और प्याज को आपने ऐसा मोटा ही काटना है, एकदम बारीक ना काटें, और इसको ऐसे चलाना है और अच्छे से लाल कर लेना है। जब आपकी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब हल्का सा कलर आने से पहले, आपने इसमें डाल देना है हरी मिर्च। और आप मिर्च देख रहे हैं ना, आज मैंने मिर्च को भी मोटा मोटा काटा है, तो आपने भी ऐसे मोटा मोटा काटना है, कम से कम 8 हरी मिर्च आप डालें। और अब आपने प्याज में लेना है हल्का सा बढ़िया कलर सुनहरा। अब ये देखिए हमारी प्याज में हल्का हल्का सुनहरा कलर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें डाल देना है टमाटर जो हमने काट के रखे थे, ऐसे डालने, और इसको चलाना नहीं अभी आप। टमाटर डालने के बाद साइड में आपने डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने चलाना है, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, देखें ना आप। ऐसे चलाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर आपने इसको ऐसे मिक्स किया और अच्छी तरीके से थोड़ी देर ऐसे पका लिया। आपके मन में सवाल होगा कि ये सारे मसाले मैंने मटन में भी डाले थे, इसमें क्यों डाले। अगर इसमें मसाले नहीं डालूंगा तो मटन फीका हो जाएगा, क्योंकि ये प्याज है टमाटर है तो इसमें मसाले जरूरी है, तो आपने भी ऐसे करना है। अब आपको समझ भी आ गया होगा कि जो ढाबा स्टाइल मटन होता है उसमें टमाटर प्याज दिखते हैं कैसे दिखते हैं, ये भी आपको दिखा के बताता हूँ। ये देखिए
कितना बढ़िया मसाला बन गया। ऐसे ही आपने बना लेना है और पानी नहीं डालना है। अब आपने क्या करना है, गैस कर देना है बंद। अब ये देखिए मटन भी कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है, धीरे धीरे एकदम मस्त हो गया और कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब आपने करना क्या है, जो हमने मसाला भी बनाया था ना वो इसमें डाल देना है। देखिए ऐसे देखा ना आपने, ऐसे डालना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून या फिर 1 मुट्ठी भर के धनिया के पत्ते, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने ऐसे मटन को चलाना है। वाह, अब कलर देखा ना आपने कितना शानदार हो गया और ढाबा स्टाइल एकदम बन गया। अब इसमें प्याज भी दिखेगी, टमाटर भी दिखेगा और जो टेस्ट आएगा ना वो तो बस माशाल्लाह मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसे मिलाने के बाद आपने गैस बंद नहीं करना है, कम से कम 5 मिनट पकाना है ताकि इसमें एक चमक आ जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया ढाबा स्टाइल मटन करी और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि आपने कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जब आप इसको 5 मिनट स्लो गैस में पका लेंगे तो आप देख रहे ना कैसी बढ़िया चमक आ रही है, ऐसी चमक आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे इसको मिक्स करना है इस तरीके से जैसे मैंने किया। और ये ढाबा स्टाइल है तो आपने इसमें पानी डाल के ग्रेवी ना एकदम पतली नहीं करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ग्रेवी आप इससे थोड़ी सी गाढ़ी कर सकते हैं लेकिन पतली ना करें। मैं इससे गाढ़ी क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद ना हल्की सी गाढ़ी होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, गैस बंद कर दूंगा और फिर से बोल रहा हूँ इसका कलर और इसका टेस्ट और खुशबू मतलब इतनी जबरदस्त है, मैं जितना भी बोलूंगा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये हुआ ही इतना अच्छा है, मतलब मजा आ गया। और इसके गलने की बात है ना, आप सोचेंगे 45 मिनट में मटन गला नहीं होगा, तो ये एकदम हलवे जैसा गल गया है। देखिए मतलब मजा आ जाएगा आपको, देखें ना आप कितना अच्छा हुआ है। मजा आ गया।